अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों में खराबी, ये जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन चाहे मुसलमान हो या कोई हो, उनके अंदर खराबी अगर आ रही है या बर्बादी अगर आ रही है तो सोचना जरूरी है। और मुझे लगता है दो वजह, दो काफी है किसी भी कौम को बर्बाद करने के लिए। पहली वजह यह है कि दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे कुछ भी बोलो सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। फिर दीन के नाम पे कुछ भी करो सब चलेगा, ये हमारा एटीट्यूड हो गया है कि किसी को टोकिए मत, किसी को बोलिए मत, किसी को आप इस्लाह मत करिए, आप अपना काम करिए, और ये काफी है बर्बादी के लिए। दीन में अगर कोई खराबी आ रही है और हमें कोई चीज लगता है गलत है, तो अगर हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो जो आदमी गलत कर रहा है वो उसे गलत क्यों समझेगा? ये नेचुरल बात है। तो ये टोकना, भाई हमें मकसद ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, मकसद ये नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप या पार्टिकुलर जमात या पार्टिकुलर तंजीम को नीचा दिखाना या उसको कमतर दिखाना। मकसद हमारा तनकीद का होना चाहिए, इस्लाह, और ये बहुत जरूरी है। अगर इस्लाह नहीं है तो वो इस्लाह की बातें नहीं होती, तनकीद नहीं होती इस्लाह के लिए, तो कभी भी कोई जमात, कोई सिस्टम, उसमें ना क्वालिटी प्रोडक्ट आ सकता है, ना हेल्दी रह सकता है, और उससे मुमकिन है कि भलाई की जगह पे बुराई ज्यादा फैल जाए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, और वो एग्जांपल जो खुद मेरे साथ गुजरा है। ये एग्जांपल दिल्ली का है। दिल्ली में जो मस्जिद है शाहीन बाग में, अल हबीब मस्जिद, तो एक बार एक जमात आई हुई थी, बाहर की जमात, शक्लन हम भी नहीं पहचानते थे, लेकिन वो शक्ल जो थी, चाहे वो इंडोनेशिया की हो चाहे मलेशिया की हो, तो अक्सर जब बाहर की जमात आती है तो लोगों में शौक होता है, हमें भी शौक हुआ, भाई रुक जाए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। काफी भीड़ थी, हमारे साथ हमारे एक साथी भी थे, तो उनका जब बयान होने लगा तो बयान, जाहिर सी बात है वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे थे, तो एक बंदा उसको ट्रांसलेट कर रहा था। तो जब वो रुकते थे तो ट्रांसलेटर शुरू हो जाता था, तो बिल्कुल ये चीजें लग रही थी कि भाई वो जो बोल रहे हैं ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर रहा है। ये मेरी आदत है, अगर कहीं भी मैं गलत देखता हूं, कोई बातें गलत होती है तो मैं टोकता जरूर हूं, लोग माने या ना माने, ये हमें हुक्म है। ये हदीस हम अक्सर पढ़ते हैं कि कोई चीज तुम्हारे सामने अगर गलत हो रहा तो ताकत है तो ताकत से रोको, ताकत से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से बोलो, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो, ये ईमान का अदना दर्जा है। तो वो साहब जो है, जो बता रहे थे कहानी, मतलब जो फॉरनर जो थे, जब वो बयान कर रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य बयान कर रहे थे, और ये जो ट्रांसलेटर था तो ये वो अपनी कुछ और बातें बोल रहा था। तो मैंने बीच में ही मजलिस में उनको टोका कि भाई ये बातें गलत ट्रांसलेट कर रहा है। तो लोग मेरे ऊपर टूट पड़े, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, भाई ये गलत ट्रांसलेट कर रहा है या सही ट्रांसलेट कर रहा है, आपको इससे क्या मतलब। मैं भी शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे उनकी बातें कुछ कुछ समझ में अरबी में, जब वो जाहिर सी बात है कुरान की जो आयतें पढ़ रहे थे फॉरनर, तो अरबी में वो आयतें समझ में आ रही थी, तो हमें पता चल रहा था कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। फिर ये ट्रांसलेटर कुछ और बोल रहा, तो मैंने फिर रोका, भाई ये गलत ट्रांसलेट कर रहा। तो लोग फिर नाराज हो गए, ऐसा हो गया जैसे पता नहीं मैंने कौन से खता कर दिया। ये चीज तीसरी बार मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गई, भाई ये गलत ट्रांसलेट कर रहा, तो लोग समझो कि बस मारने को ही उतारू थे। मैं किसी तरह मैं भी शांत हो गया। जब वो बयान खत्म हो गया
तो मैंने जो ट्रांसलेटर था उसको रोका, भीड़ में ही मजलिस में रोका। हम बोले भाई एक बात बताओ, ये जमात कहाँ से आई? तो बोला आई होगी कहीं इंडोनेशिया या मलेशिया से। हम बोले आपको नहीं पता? बोला नहीं। हम बोले ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? तो ये बोल रहा होगा कोई लैंग्वेज इंडोनेशियन या मलेशियन। तो हम बोले आप क्या बोल रहे थे? तो बोला वो अपना बोल रहा था, मैं अपना बोल रहा था। फिर मैंने महफिल में लोगों को बताया कि भाई देखो मैं जो बोल रहा था ये गलत ट्रांसलेट कर रहा, ये बिल्कुल हकीकत है, ये गलत ट्रांसलेट कर रहा है। तो हमने बोला आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें तो लग रहा था कि भाई वो बोल रहे हैं और आप ट्रांसलेट कर रहे, जिस अंदाज से वो रुकते थे और जहां से आप शुरू होते थे। तो बोले नहीं, हमारे यहां ऐसा ही होता है। तो हमने ये तो धोखा है, ये तो उम्मत के साथ धोखा है। आप बता दो ना उम्मत को कि हमें इनकी लैंग्वेज नहीं पता, ये अपनी बातें बोलेंगे, मैं अपनी बातें बोलूंगा। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन आपने ये तो बात बताई नहीं, तो हम तो समझ रहे कि वो ट्रांसलेट हो रहा। तो मेरे भाई मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी जमात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर अपनी खराबियों में नहीं झांकोगे तो कभी जो फायदा हमें मेहनत भी पैसा भी वक्त भी सब कुछ लगेगा, वो फायदा नहीं होगा। भीड़ से कभी क्वालिटी नहीं आती, क्वालिटी तो एक में भी अगर होगी तो वो क्वालिटी दिखेगा, और अगर हजार की भी तादाद हो और अगर इसी तरह से मतलब बातें होंगी तो फिर तो कभी भी दीन जो है वो सही तरीके से नहीं फैलेगा। वो सवाब की नियत से कोई चीज करना, सवाब तो बाय डिफॉल्ट है। आप किसी मजलिस में बैठे तो सवाब, कुरान पढ़े तो सवाब, कोई भी नेकी का काम करे सवाब मिलेगा, लेकिन नियत सवाब की नहीं होगी। जो चीज़ डिफॉल्ट में होता है वो सवाब की नहीं होती। कुरान पढ़ रहे हैं तो नियत आपकी हिदायत की होनी चाहिए, आप कोई बयान सुन रहे हैं तो नीयत आपकी हिदायत की होनी चाहिए, आप कोई हदीस सुन रहे हैं, कोई कुरान सुन रहे हैं, और कोई चीज़ आपको लगती है कि हमें समझना है या कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ कंट्राडिक्ट हो रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, तो सिर्फ इस नीयत से कि सवाब की नीयत से जो भी बोल रहा सुनते जाए, तो फिर हमारी भी इसलाह नहीं होगी और फिर उससे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। वाखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।